लगभग हमारा ट्रेन डोंगरगढ़ पहुंचने वाला है, अभी मूसरा के आसपास पहुँचा हुआ है। उससे पहले नज़ारा यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, लग रहा है कि पानी गिरेगा। ये देख लो मौसम, पूरा बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि जोरदार बारिश हो। और ये आ चुकी है देख लो छत्तीसगढ़ का पहला वंदे भारत, जो कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ डोंगरगढ़, फिलहाल अभी मैं ट्रेन में हूँ और ये ट्रेन मुझे पहुँचा देगा डोंगरगढ़ 11:30 बजे के आसपास। हर साल मैं नवरात्रि के पहले जाता हूँ माता रानी का दर्शन करने के लिए, तो आज भी जा रहा हूँ। और नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर से चालू होने वाला है। बाकी अभी के टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं चुके हैं सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकने वाला है। ये अब हमारा ट्रेन भिलाई पावर हाउस से निकल रहा है। भिलाई नगर से हमारा ट्रेन निकल रहा है, तो अभी के टाइम हो रहे हैं 9:45 और हमारा ट्रेन पहुंचा हुआ था दुर्ग स्टेशन और अब यहां से निकल रहा है। अभी के टाइम हो रहे हैं 10:34 और हमारा ट्रेन पहुंच चुका है राजधानी। सामने ऊंचा पहाड़ और ऊंचे पहाड़ पर बम्बलेश्वरी माता का मंदिर, वो जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वही ऊंचे पहाड़ पर माता रानी का मंदिर है बम्बलेश्वरी मंदिर। सिग्नल मिल चुका है और हमारा ट्रेन वापस चालू हो चुका है। अब धीरे धीरे डोंगरगढ़ स्टेशन की तरफ जाती जा रही है हमारी ट्रेन। और यार जैसे डोंगरगढ़ पहुँचते हैं हरा भरा नज़ारा और पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देने लगता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ट्रेन चल रही है और वो रहा सामने बम्बलेश्वरी माता का मंदिर। वहाँ सामने देखिए ऊंचे पहाड़ पर माता रानी का मंदिर है। मौसम आज का बहुत खूबसूरत हो चुका है, काले काले बादल छाए हुए हैं, देख के तो लग रहा है कि बारिश होएगा। और कौन कौन इस नवरात्रि में डोंगरगढ़ माता बम्बलेश्वरी के दर्शन के लिए आ रहे हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी मैं तो नवरात्रि में फिर से आऊँगा और आप लोगों में से जो भी आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी बहुत अच्छा लगता है डोंगरगढ़, हर साल मैं आता हूँ दर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। Thank you.
तो अभी के टाइम हो रहा है 11:15 और मैं पहुंच चुका हूं डोंगरगढ़ में। ये देख लीजिए भाई, यही स्टेशन से ही मंदिर का नज़ारा दिखाई देता है। रात के टाइम इसमें लाइट भी जलता है, वो भी दिखाई देता है। बाकी स्टेशन से जो मंदिर का खूबसूरत व्यू है, पहाड़ का व्यू, वो सामने दिखाई दे रहा है। ऊँचे पहाड़ पर माता रानी का मंदिर है, बम्लेश्वरी माता का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, हरे भरे नज़ारों के साथ, हरे भरे प्राकृतिक वादियों के बीच माता रानी का मंदिर। तो ट्रेन से उतरने के बाद अब मैं आ चुका हूँ छोटी बम्लेश्वरी माता मंदिर के पास। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, छोटी बम्लेश्वरी माता का मंदिर है। अभी यहाँ दर्शन करने के लिए चलेंगे और शाम का वक्त हो रहा है, वापस भी मुझे जाना है। ये शालीमार एक्सप्रेस 5 बजे के पास आने वाला है, 5 बजे के आसपास, तो उसमें बैठकर मैं वापस रायपुर जंक्शन जाऊँगा। फिलहाल आपको मैं नीचे वाला मंदिर ही दिखा देता हूँ, और नवरात्रि के टाइम एक बार फिर से आएंगे ना तो ऊपर वाला मंदिर जाएंगे। बाकी देख लीजिए कुछ इस तरह से मंदिर है। रात के समय जब यहाँ पर लाइटिंग वगैरह चलता है ना तो और भी शानदार लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी मंदिर में कुछ कुछ अभी काम चल रहा है नवरात्रि के नाम से। तो मंदिर का एंट्रेंस गेट आप देख लीजिए, लाइटों से सजाया गया है पूरा, और रात के समय ये लाइट दिखेगा। बाकी इधर काम चल रहा है। अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी आप दर्शन कीजिए, देख लीजिए बहुत प्यारा मंदिर। तो मंदिर दर्शन करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि 5 बजे के आसपास मेरा ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस, उसमें से जाना है रायपुर, उसमें बैठकर। और इसी रास्ते से जा रहा था, देख लीजिए यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही भव्य मेला। नवरात्रि के टाइम पूरा 9 दिनों तक यहाँ पर मेला चलता है, उसी का तैयारी चल रहा है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि है, जिसकी वजह से इस तरह से तैयारी चल रहा है मेला का। और ये आ चुकी है, देख लो, छत्तीसगढ़ का पहला वंदे भारत, जो कि नागपुर से बिलासपुर तक चलता है, बिलासपुर से नागपुर तक चलता है। और 4:29 हो रहा है, 4:29 में डोंगरगढ़ स्टेशन आया हुआ है। विशाखापट्टनम पैसेंजर विशाखापट्टनम देवैया प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 महाभाव है। गाड़ी संख्या 1। बाकी गाइज अभी रात के 8 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने शहर रायपुर में। और आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी नवरात्रि के टाइम फिर से जाएँगे डोंगरगढ़ घूमने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।